Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. In today's video we will be discussing a very important topic from gynecology and that is fibroid. Friends, fibroid एक type का benign tumor होता है जो कि located होता है हमारे uterus में. ठीक है, fibroid is most frequently found in the uterus and ये जो fibroid होता है ये most frequently बना होता है किस चीज का, smooth muscles का और fibrous connective tissue का. जो टर्म होता है मसल वो रिप्रेजेंट करता है मायो को एंड जो टर्म है मायोमा दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम मसल्स एंड फाइब्रो इज कनेक्टिव टिश्यू. सो फाइब्रो मायोमा इसका अल्टरनेट टर्म है. कई बार ये सिर्फ मसल फाइबर्स इंक्लूड करता है तो हम इसे मायोमा या फिर लियो मायोमा भी कहते हैं. ठीक है, यहाँ पर इस फिगर में आप देख सकते हो दैट जो यूटरस है ये हमारा यूटरस है और इसमें सबसे अंदर वाली लेयर जो होती है वी कॉल इट म्यूकोसा. ठीक है, सबसे बाहर वाली सेरोसा होती है और बीच वाली मस्कुलैरिस होती है. ठीक है, सो जो सबसे अंदर की तरफ जो फाइब्रॉइड प्रेजेंट होता है क्योंकि ये म्यूकोसा लेयर है वी कॉल इट सब म्यूकोसल. जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो दैट दिस फाइब्रॉइड विच इज लोकेटेड हियर इज नोन एज सब म्यूकस फाइब्रॉइड क्योंकि ये म्यूकोसा के जस्ट नीचे प्रेजेंट है. नाउ जो मसल्स में प्रेजेंट होता है वी कॉल इट इंटरस्टीशियल और इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड. तो जैसा कि आप देख सकते हो दैट ये फाइब्रॉइड मस्कुलर लेयर में मस्कुलैरिस में प्रेजेंट है एंडोमेट्रियम की वी कॉल इट इंट्राम्यूरल और इंटरस्टीशियल फाइब्रॉइड. नाउ सबसे बाहर वाली लेयर होती है सेरोसा और इसके जस्ट नीचे जो फाइब्रॉइड प्रेजेंट है वी कॉल इट सब सेरोसर फाइब्रॉइड. ठीक है, अब फाइब्रॉइड जो होता है वो हमने देख लिया कि सब यूकोसल इंटरस्टीशियल और सब सीरस फाइब्रॉइड्स होते हैं. नाउ कई बार जो फाइब्रॉइड होते हैं वो पेडंकल बना लेते हैं दैट मींस अपनी स्टॉक डेवलप कर लेते हैं एंड वी कॉल इट पेडंक्यूलेटेड फाइब्रॉइड. तो अगर सेरोसा मतलब ये सब सीरस फाइब्रॉइड है ये अगर स्टॉक डेवलप करके बाहर चला गया सपोज यहाँ पे आ गया वी कॉल इट सब सीरस पेडंक्यूलेटेड फाइब्रॉइड. ठीक है, अगर वैसे ही जो फाइब्रॉइड है ये स्टॉक डेवलप करके ये म्यूकोसा वाला रहा होगा और ये जब प्रोट्रूड कर गया पेडंक्यूलेटेड बन गया पेडंकल का फॉर्मेशन करके वी कॉल इट सब म्यूकस पेडंक्यूलेटेड फाइब्रॉइड. ठीक है, सो दीज वर द वेरियस टाइप्स ऑफ यूटराइन फाइब्रॉइड. नाउ लेट्स सी एंड अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स फाइब्रॉइड बनने के. ठीक है, तो इंक्रीज्ड रिस्क में वो फीमेल होती है जो कि नली पैरस होती है, ओबीस होती है और हाइपर ईस्ट्रोजेनिक स्टेट. ऐसी फीमेल जिसमें ईस्ट्रोजेन ज्यादा अमाउंट में बनता है उसमें फाइब्रॉइड होने की चांसेस ज्यादा होते हैं एंड ऑल्सो ब्लैक वुमेन हैव इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ यूटराइन फाइब्रॉइड. किन में रिस्क कम हो जाता है, मल्टीपैरिटी के केस में फाइब्रॉइड होने का रिस्क कम हो जाता है और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट यूजुअली फ्रेंड्स आपने देखा होगा स्मोकिंग हर जगह पॉजिटिव फैक्टर होता है बट यहाँ पर स्मोकिंग इज द रिड्यूसिंग रिस्क. स्मोकिंग इज रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ फाइब्रॉइड. सो ये बात आपको याद रखनी है दैट ऐसी फीमेल्स जो स्मोक करती हैं उनमें फाइब्रॉइड होने के चांसेस कम होते हैं. नाउ यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है दैट अबाउट द ग्रोथ ऑफ फाइब्रॉइड. तो यहाँ पर मेंशन किया गया है दैट फाइब्रॉइड की ग्रोथ जो होती है वो ईस्ट्रोजन पे डिपेंडेंट होती है. ठीक है, और ईस्ट्रोजन जो फाइब्रॉइड की सेल होती है वो भी ईस्ट्रोजन सिक्रीट करती है. ठीक है, तो इसीलिए जो फाइब्रॉइड होता है वो जो भी टाइम में बॉडी में जैसे प्रेगनेंसी के वक्त जब ईस्ट्रोजन ज्यादा अमाउंट में होता है चाइल्ड बियरिंग पीरियड में या फिर ऐसी टाइम जब ईस्ट्रोजन बॉडी में ज्यादा रहता है तो जो फाइब्रॉइड होता है वो जल्दी ग्रो करता है. वहीं पर अगर जब मेनोपॉज की कंडीशन आ जाती है मतलब जब ईस्ट्रोजन बॉडी से कम हो जाता है तो फाइब्रॉइड की ग्रोथ जो होती है वो रिग्रेस कर जाती है. ठीक है, सो दीज वर द फ्यू ऑफ द रिस्क फैक्टर्स और वो कौन सी चीजें हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द ग्रोथ ऑफ फाइब्रॉइड हमने समझ लिया. नाउ फ्रेंड्स यहाँ पे टाइप्स ऑफ फाइब्रॉइड मेंशन किए गए हैं जो कि हमने ऑलरेडी समझ लिया है, एक बार फिर से देख लेते हैं. तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन एनाटॉमिकल लोकेशन के बेसिस पे दिया हुआ है. जैसे यूट्रस जो है उसके दो पार्ट होते हैं सर्विक्स और बॉडी. जो बॉडी होते हैं उनसे तीन टाइप के फाइब्रॉइड आते हैं. ठीक है,
सबसे अंदर वाला अगर है तो हम उसको सब म्यूकोसल कहते हैं, बीच वाला है सो वी कॉल इट इंटरस्टीशियल, और सबसे बाहर वाला सब सेरोसल। ठीक है, इंटरस्टीशियल बनने की चांसेस सबसे ज्यादा होती है। अब जो सब म्यूकोसल होता है वो दो टाइप का होता है, अगर वो जहाँ पे बना है वहीं पे रह रहा है तो वी कॉल इट सेसाइल, और अगर उसकी स्टॉक बन गई है तो हम उसको पेडंक्यूलेटेड कहते हैं। सब सीरस वाला अगर कई बार ऐसा होता है कि वो ब्रॉड लिगामेंट से अराइज होता है और ऐसा लग रहा है कि वो सेरोसा से अराइज हो रहा है सो वी कॉल इट स्यूडो सब सीरस फाइब्रॉइड, अगर सेसाइल है तो वो सब सीरस कहलाता है, और अगर कई बार सब सीरस वाला जो पेडंक्यूलेटेड बन जाता है उसकी स्टॉक टूट के वो अलग हो जाता है इधर उधर जाने लगता है वी कॉल इट पैरासिटिक और वैंडरिंग फाइब्रॉइड। ठीक है, अब जो सर्वाइकल फाइब्रॉइड होता है वो सर्वाइकल फाइब्रॉइड चार टाइप के हो सकते हैं, वो लैटरल साइड में प्रेजेंट हो सकता है सर्विक्स के आगे की तरफ हो सकता है, पीछे की तरफ हो सकता है, या फिर सेंट्रल में हो सकता है, एंड वी कॉल इट एंटीरियर पोस्टीरियर सेंट्रल या फिर लेटरल टाइप्स ऑफ यूटराइन फाइब्रॉइड। तो ये था यूटराइन फाइब्रॉइड का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनाटॉमिकल लोकेशन। ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं दैट व्हाट आर द सेकेंडरी चेंजेस। ठीक है, फाइब्रॉइड में कुछ टाइप के चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे सबसे पहला है हाइलिन डीजनरेशन। कई बार ऐसा होता है कि जो फाइब्रॉइड जो स्ट्रक्चर है ठीक है उसमें कई टाइप के डीजनरेशन देखने को मिलते हैं, अगर वहां पे हाइलिन का डिपोजिशन हो गया वी कॉल इट हाइलिन डीजनरेशन। ठीक है, कई बार क्या होता है वहां पर जो सिस्ट होता है हाइलिन वाला एरिया होता है उसमें लिक्विफैक्शन नेक्रोसिस हो जाती है और वो एरिया क्या होता है फ्लूइड से भर जाता है एंड वी कॉल इट सिस्टिक डीजनरेशन। कई बार फैट का डिपोजिशन हो जाता है तो हम उसे फैटी डीजनरेशन कहते हैं, कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है सो वी कॉल इट कैल्सिफिक डीजनरेशन। ओके, नाउ मूविंग ऑन रेड डीजनरेशन। कई बार ऐसा होता है कि जो बड़ा सा फाइब्रॉइड होता है ठीक है वो परप्यूरियम या फिर प्रेगनेंसी सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में क्या होता है वो बिल्कुल रेड कलर का अपियर होने लगता है एंड वी कॉल इट रेड डीजनरेशन, या फिर हम उसको कार्नियस डीजनरेशन भी कहते हैं, वो बिल्कुल रॉ बीफ लाइक अपियरेंस देता है। ठीक है, सो दीज वर फ्यू ऑफ द चेंजेस, फ्यू ऑफ द डीजनरेशन जो कि हमें देखने को मिलते हैं। कई बार फाइब्रॉइड जो होता है उसमें एट्रॉफी हो जाती है, उसकी सेल्स में डीजनरेशन हो जाता है, नेक्रोसिस हो सकती है, क्योंकि हमें पता है मैंने आपको अभी नहीं बताया है बट जो फाइब्रॉइड होता है आपको ध्यान से सुनना है दैट फाइब्रॉइड में सेंट्रल जो ब्लड सप्लाई होती है वो सबसे कम होती है और पेरीफेरी में सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो पेरीफेरी में सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई होने की वजह से जो अंदर का एरिया है उसमें कम ब्लड मिलेगा और वहां पर उसकी जो सेल्स है उसमें डीजनरेट होने की चांसेस ज्यादा होती है। ठीक है, वहां पर हमें नेक्रोसिस देखने को मिल सकती है। मूविंग ऑन, इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है फाइब्रॉइड में। वैस्कुलर चेंजेस, कई बार ऐसा होता है कि फाइब्रॉइड खुद की ब्लड वेसल्स डेवलप कर लेते हैं और कुछ सार्कोमेटस चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, मतलब कई बार मैलिग्नेंसी की तरफ भी फाइब्रॉइड टेंड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर यूट्राइन फाइब्रॉइड इन विच वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज यूट्राइन फाइब्रॉइड। ठीक है, इसके क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं, क्या टाइप्स होते हैं एनाटॉमिकल लोकेशन के बेसिस पे। ठीक है, और ये जो फाइब्रॉइड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें कौन कौन से चेंजेस डीजनरेशन देखने को मिल सकते हैं। सो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ऑल्सो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और वीडियोज आपके साथ शेयर करूं तो प्लीज 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 मेडिक्योर बॉडी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आप मेडिक्योर बॉडी के अपकमिंग अपडेट्स मिस ना करो। थैंक यू।